अम्बिया इलाही के मुकाबले में कुफ़ार का नारा क्या है और क्या अम्बिया की तात ग़ुलामी है और क्या अम्बिया की तात न करना आज़ादी है और क्या हर इंसान की इबादत काबिल अहमियत है इन अहम सवालों के जवाब को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें अवजबिल्ल शैतानरजीम बिसमीम वबे नस्तीन इन्हूँ खैर ना सर व मैन नाजरन मोहतरम अलमैकम तफसर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज्रीन अलहमदिल्ला अब तक हमने सूर्य ममनू की तीस आयतों की तफसीर को जान लिया है और आज मजीद कुछ नई आयतों की तफसर के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हुए हैं तो नाजरीन आइए आज के इस एपिसोड की पहली दो आयतों की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उसके तलावत और तर्जुमे को सुनते हैं كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين उसके बाद फिर हमने दूसरी कौमों को पैदा किया और उनमें भी अपने रसूल को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो कि उसके अलावा तुम्हारा कोई खुदा नहीं है तो क्या तुम परहेजगार न बनोगे नाजरीन अभी आपने जिन दो आयतों के अहम नुकात को जाना अब आइए उनके पैगामात पर गुफ्तु करते हैं इलागी, 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 पयाम नंबर एक खुदा ने हर उम्मत के लिए पैगंबर को भेजा है नंबर दो पैगंबर को इंसान होना चाहिए ताकि वो अमली आइडियल बन सके और लोगों के दर्द को महसूस कर सके ताकि हुज्जत तमाम हो जाए नंबर तीन खुदा की इबादत उस वक्त बामत है जब शिरक के इनकार के साथ हो खुदा की तरफ रुझान उसी वक्त पैदा होगा जब इंसान बा तकवा हो मोमिनून की तैतीसवीं आयत की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उसकी तिलावत وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره واترفناهم في الحياه الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه مما تأكلون منه مما تشربون. तो उनकी कौम के उन रोईसाई ने जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया था और आखिरत की मुलाकात का इनकार कर दिया था और हमने उन्हें ज़िंदगानी ये दुनिया में ऐशो इशरत का सामान दे दिया था वो कहने लगे कि ये तो तुम्हारा ही जैसा बशर है जो तुम खाते हो वही खाता है और जो तुम पीते हो वही पीता भी है इस आय करीमा में कुछ अहम पैगाम पाए जाते हैं आइए उन्हें जानने की कोशिश करते हैं प्याम नंबर एक अंबिया की दावत की बुनियाद ये है कि लोगों को जालिमों के चंगुल से निजात दिलाएं इसीलिए सबसे पहले अम्बिया की मुखालफत हाकिम और जालिम ही करते हैं नंबर दो अम्बिया की जिंदगी भी एक आदी जिंदगी है नंबर तीन अमीर और रोसा मानवी और इल्मी मसाइल से गाफिल हैं। इमाम अलीलाम ने फरमाया ये लोग अपने हसद की वजह से ऐसी बातें करते हैं नाजरीन आज के इस एपिसोड की आखिरी तीन आयतों की तफसीर को जानने के लिए आइए चलते हैं पहले उनकी तिलावत وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ है हात, है हात, और अगर तुमने अपने ही जैसे बशर की एत कर ली तो यकीन खसारा उठाने वाले हो जाओगे क्या ये तुमसे इस बात का वादा करता है कि जब तुम मर जाओगे और खाक और हड्डी हो जाओगे तो फिर दोबारा निकाले जाओगे हैफ सदहैफ तुमसे किस बात का वादा किया जा रहा है न अभी आपने जिन तीन आयतों की तिलावत और तर्जुमे को सुना उसमें कुछ अहम नुकात पाए जाते हैं आइए उन्हें जानने की कोशिश करते हैं कुरान मजीद में कलमे हिहा दो बार आया है और वो भी इसी आयत में क्योंकि कुफार के सरदार क्यामत के वकूह को बहुत दूर समझते हैं कुफार के शार पैगंबर एक मामूली इंसान है दूसरों पर पैगंबर को कोई बर्तरीव इम्तियाज़ हासिल नहीं है पैगंबर की इतात में नुकसान है क़यामत और दोबारा ज़िंदा किया जाना ये हकीकत से दूर है हे हाथ हे हाथ क्योंकि अम्बिया हमेशा कयामत की बात करते हैं तू अदून दुश्मनों ने भी कलमय हे हाथ को तकरार किया है ये जितने भी जिक्र हुए हैं ये कुफार के धोखा देने वाले और हक की मुखालफत करने वालों के शयार हैं ये लोग पैगम्बर की इतात को नुकसान बताते हैं ताकि लोग उनकी तरफ मायल हों और उनकी बात को माने ये लोग आजादी का नारा लगा के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं तो नाजरीन आज के इस एपिसोड से मालूम हुआ कि अम्बिया के मुकाबले में कुफ़ार का नारा ये था कि ये अम्बिया इंसानों की तरह हैं इनकी कोई फ़जीलत तुम पर नहीं है और इनकी इतबा करना सिर्फ़ नुकसान के अलावा कुछ नहीं है और जो कुछ भी ये क़यामत के बारे में कहते हैं मात के बारे में कहते हैं वो कुछ नहीं है जो कुछ है वो फ़कत यही दुनिया है तो नाजरीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो और हाँ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएँ ताकि हमारे प्रोग्राम्स की अपडेट तक आसानी से पहुंचती रहे इन कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई आयतों की तफसीर के साथ तब तक के लिए खुदा ला। सबील कुरान गुर्ण, कुरानी गुर्ण, समाज की पहचान